बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉगिन स्पॉट, और खुशामदीद कहता हूँ आप सबको क्रिकेट कैफे के अंदर। आज हम जो है हम तीनों काफ़ी अपसेट हैं पाकिस्तान की हार की वजह से। पाकिस्तान जो है जिम्बाब्वे से हारा है और बहुत ही बुरी तरीके से हारा है। जिम्बाब्वे ने पहले टॉस जीत कर जो है बैटिंग का फैसला किया था, बैटिंग करते हुए उन्होंने 130 रन बनाए और पाकिस्तान को जो है 131 का टारगेट दिया, और जवाब में जो है पाकिस्तान जो 131 रन भी नहीं बना सकी जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने। तो इस पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमैर मुफीद और साबिर हुसैन। सुमैर, हमें बताइएगा ज़रा पाकिस्तान टीम ने आज किस तरह का खेला, बैटिंग किस तरीके की जी बताइएगा ज़रा। अरे मैं क्या बोलूँ यार, अब बताओ, पाकिस्तान की टीम मानी हुई टीम नंबर 3 पे आती है और इस तरीके से हार गई है, वो भी जिम्बाब्वे से। यार क्या तरीका यार, बाबर आजम तुम क्या कर रहे हो यार, जब तुमसे नहीं खेला जा रहा हो अपने के तौर पे तो यार कम से कम तुम नीचे आओ, मिडिल ऑर्डर पे आ जाओ यार, तीसरे नंबर पे आ जाओ यार। तुम्हें आके ओपनिंग करनी है, सिर्फ अपना सोचना है, रिजवान को भी अपना सोचना है। रिजवान को देखो हर मैच में ऐसी कर रहा है यार, 14 बॉल पे 6 रन, 14 बॉल पे 2 रन। यार तुम क्या पाकिस्तान के लिए खेल लो या अपने लिए खेल लो भाई, तुम बाबर आजम को चाहिए, उससे नहीं खेला जा रहा, नहीं खेला जा रहा, फकर को भेजो यार, रेस्ट करे, फकर को भेजो, शान को भेजो ओपनर पे। जब तुम लोग से नहीं खेला जा रहा, तुम लोग बॉले भी बर्बाद कर रहे हो, ऊपर से मैच भी हरवा रहे हो, फाइनल श्रीलंका जैसी टीम से तुम एशिया कप का फाइनल आ रहे, कुछ नहीं बोला, इंडिया से हार गए कुछ नहीं बोला। अब ये क्या तरीका, तुम इससे भी हार गए या जिम्बाब्वे से 1 रन से। हैदर अली को बार बार खिला रहे हैं, हैदर अली को बार बार खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं भाई हैदर को? हैदर हर मैच में 0 पे आउट हो रहा है यार, 3 से 4 मैच हो गए 0 पे आउट हो रहा है, लेकिन उसे ही खिलाए जा रहे हैं। क्या तरीका है, दोस्ती यारी निभाना है या पाकिस्तान को जितवाना है तो बता दो यार, तुम ये गलत कर रहे हो यार। क्रिकेट नहीं हो रही है अभी, सिर्फ याराना हो रहा है और भरपूर याराना हो रहा है। दोस्ती निभानी है तो ऐसी निभा लो भाई, बाहर गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल लो यार, इससे बेहतर है ये, कोई क्रिकेट खेल लो तुम। अभी आप देख सकते हैं कि क्रिकेट के शायकीन जो है हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हम इतने ज्यादा अपसेट है पाकिस्तान की हार की वजह से, वो भी जिम्बाब्वे से। अबे कम से कम हैदर अली की जगह फकर को भी तो ले सकते हैं, जिम्बाब्वे क्वालिफाई राउंड खेल, क्वालिफाई खेल कर आइए यार, और तुम उनके सामने बेबस हो गए यार, कर रही है वो पाकिस्तान टीम को जो एशिया कप का फाइनल खेली है भाई, वो भी हार गई, वो तो अफगानिस्तान भी बस के लग गया छक्का इनका, फुल टॉस दे दिया, वरना तो अफगानियों से भी हारे हुए थे लोग तो मैच। अबे तुम लोग क्या खेल लो यार, बाबर आजम तुम्हें क्या हार्ट अटैक दिलवा के मैच जीतना है क्या हर वक्त? अबे भाई हर वक्त नहीं चलता, लग थोड़ा खुद भी कोशिश करो। तुम मिडिल ऑर्डर पे 4 रन बना रहा है वो, 16 गेंदों पे रन बना रहा है, कोई रन ही नहीं बना रहा है। तुम मिडिल ऑर्डर को तो मौका दे नहीं देते पहले, अब मिडिल ऑर्डर को मौका दे रहे हो तो मिडिल ऑर्डर भी तो अच्छा रखो ना। शान मसूद अच्छा आ गया, चलो उसने मैच थोड़ा बचाया, अबे शादाब भी बचाया, अबे तो और को देख लो, और को तुम देख नहीं रहे। शान मसूद अगर रन नहीं करता, हैदर रन नहीं करता तो क्या होता, ये जिम्बाब्वे से 80 नंबर पे आ जाते। ना नवाज को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, नवाज ने कोई गलती नहीं कही है यार, तुम जब तुम ही नहीं खेल रहे हो तो नवाज को क्यों बोले? नवाज क्या करेगा आगे, वही आपकी कप्तानी सही नहीं है, आपकी सिलेक्शन भी सही नहीं है। मोहम्मद वसीम साहब आप बताएं आपकी सिलेक्शन क्या है, आपकी अच्छी सिलेक्शन है ये? आप तो बोले थे ये टीम जितवाएगी वर्ल्ड कप, कहाँ जितवाया वर्ल्ड कप, ये तो दोनों मैच हार गए शुरू का, अब चांस है सेमीफाइनल तक का, मुश्किल ही लग रहा है मुझे। अब तो ये होगा वो जीत गया, ये हार गया वो हार गया, तब जाके चांस बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा भाई। मेहरबानी करो मैच हार के हमें चांस दे दो, थोड़ा सा हम आगे खेल लें। अरे यार मलिक परफॉर्म कर रहा है यार, आमिर परफॉर्म कर रहा है, इमाद वसीम परफॉर्म कर रहा है, उसे नहीं लिया यार, जो नहीं कर रहा परफॉर्म उन्हें ले लिया, हद होती है यार। देखा जाए जैसे कितनी सिफारिश पे क्रिकेट चलेगी यार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर जरा बैटिंग लाइन की आज बात करें तो 130 रन के ताकुब में पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 16 बॉलों पर सिर्फ 14 रन बना सके, पूरे पावर प्ले की ऐसी की तैसी करके गए। बाबर आजम 9 बॉल खेल के 4 रन बनाए पावर प्ले में और आसान सा कैच दे बैठे, और शान मसूद की तारीफ करनी पड़ेगी, पिछले मैच में भी अच्छा खेला और इस मैच में भी थोड़ा सा संभाला, 38 पे 40 बना। यार अगर आप देखा जाए ना पीएसएल में शान मसूद ओपनर के हैसियत से आ रहा था भाई, मुल्तान सुल्तान में रन दे रहा था और रन बना के जा रहा था, आप उसे क्यों नहीं ले रहे हो? फकर जमान इतना अच्छा हिटर है, उसको क्यों ओपनर नहीं भेज रहे हो यार? 2017 का भी चैंपियन ट्रॉफी थी, उसमें सरफराज अहमद आप खुद देख सकते हो, मैं यंग टीम थी वो, अबे भाई ये तो फिर भी एक्सपीरियंस वाली टीम है, वो यंग टीम थी, सरफराज अहमद अकेले लेके चल रहा था सारे को, फकर जमान यंग था यार, सारे यंग थे, 5 साल पुरानी बात है, वो टीम लेके चला यार। आप देख सकते हो फकर जमान ने फाइनल में सेंचुरी मारी थी, भले 9 बॉल हो गई थी लेकिन सेंचुरी मारी थी भाई, उसने प्रेशर को हैंडल किया उसने, क्यों? सरफराज अहमद की वजह से।
सरफराज अहमद ना बंदों को हौसला देता है, बाबर आजम को देखा है फील्डिंग पे खड़ा हुआ है, छक्के खा रहे चौके खा रहे हैं, बॉलर जो है चुपचाप खड़ा हुआ है। जिम्बाब्वे ने इतना अच्छा स्टार्ट किया, आगे के चार ओवर इनके छह ओवर में 22 रन थे यार। उसको देख लो ना, रिजवान को भी देख लो यार, अकेला बाबर आजम को नहीं, रिजवान भी है यार। रिजवान अरग बोलता है अल्लाह जिताएगा, अबे अल्लाह तो जिताएगा, आप भी तो कोशिश करो, मेहनत तो करनी है ना कोशिश। अब आपका क्या मतलब है, अल्लाह ताला भी कहते हैं आप मेहनत करो कामयाबी हम देंगे। हाँ, अब आप लोगों को बता रहे हो दिखा रहे हो हर चीज में कि यार अल्लाह हर चीज पूरी करेगा, हर चीज पूरी करेगा, लेकिन भाई अल्लाह तो करेगा लेकिन अल्लाह भी बोलता है मेहनत करो। अब ऐसा थोड़ी आप सिंगल डबल करोगे पीछे के ऊपर सारा बंद डाल दोगे, आप नंबर वन हो तो भाई आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या? ये वाला मसला तो पाकिस्तान के साथ है कि बहुत स्लो गिरते, पूरा पावर प्ले दाय करते। पावर प्ले का मतलब है यार, एक टाइम था, आप पावर प्ले गलत बोल रहे हो, एक टाइम था जब चैंपियन ट्रॉफी जब सरफराज अहमद को कप्तानी दी थी ना, तो आप खुद देख सकते हो कि भले 50 ओवर का मैच था लेकिन शुरू के 10 ओवर में दिखाता था सरफराज अहमद के यार ऐसे खेलो, 10 ओवर में 70-80 रन बन रहे हैं ये लोग T20 में यार। जैसी टीम तेज खेल रही है, बाकी टीमें तेज खेल रही हैं लेकिन ये हल्का खेल रही हैं। लेकिन भले कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम पावर हमारी बॉलिंग पे हम कुछ नहीं बोल सकते, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, पहले मैच में भी की है, दूसरे मैच में भी की है यार। बैटिंग का क्या यार, बैटिंग कब सुधारोगे अपनी, कब सुधारोगे बैटिंग यार? नंबर वन बॉलिंग हमारी कहलाई जाती है, पहले के चार ओवर में हम अच्छे खासे रन खा चुके हैं ठीक है, और जिम्बाब्वे की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, तो हम पावर प्ले हमने पूरा जाया कर दिया। अब पावर प्ले का सबसे बड़ा नुकसान ही हमें होता है, जब पावर प्ले में स्कोर नहीं होता तो सारे फील्डर बाहर हो जाते हैं, पावर प्ले जब ऑफ हो जाता है फिर हमें शॉट खेलने में मसला ज्यादा होता है, क्योंकि फील्डर जो है बिल्कुल बाउंड्री के साथ लगे हुए होते हैं, तो पावर प्ले का सबसे बड़ा यार, मसला सबसे है। सबसे बड़ा मसला यही है यार, देखो इमाद वसीम का ही लगा लो यार, इमाद वसीम नंबर 3 पे था जब वो इंजर्ड हुआ था, नंबर 3 पे था लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया इंजर्ड होने के बाद यार, वो तो अपना परफॉर्मेंस दिया है ना अभी, अभी आपने देखा है वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग में दिया है यार, CPL में दिया है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में दिया है, साफ देखा है आमिर ने दिया है, इमाद वसीम ने दिया है, लेकिन क्या मौका ही नहीं दिया दोनों को, दो तीन खिलाड़ी। अरे सब छोड़ा यार, मेरी बात सुनो पहले, आजम खान विकेट कीपर है, आजम खान भाई सर मैं बोल रहा हूँ रिजवान से बहुत अच्छा है आजम खान, रन तो करके जाता है, रिजवान क्या कर रहा है यार, एशिया कप से देख रहा हूँ रिजवान क्या कर रहा है, आ रहा है 50 बॉल पे 60 रन, अरे भाई ये तो भाई वनडे का स्कोर है यार, ये तो कोई भी कर लेगा, आप समझ रहे हो कि भाई हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई हम नहीं कर रहे अप्रिशिएट, आप गलत खेल रहे हो, आप मिडिल ऑर्डर पे सारा बन डाल रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मैच विनिंग सिर्फ आसिफ अली करवाएगा, हैदर अली करवाएगा, नहीं यार आप लोग भी गलत कर रहे हो, आप लोग सिर्फ अपना सोच के खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, आप अपनी बैटिंग मुकम्मल कर रहे हो। हाँ आप लोग आप सिर्फ टॉप 10 में रहना चाह रहे हो, आप नंबर 1 पे रहना चाह रहे हो, यार आप बस नंबर 1 पे दिखो, आपको कोई निकाल ना सके, सारा प्रेशर जो है नीचे छोड़ के चले जाते हो, आप देख लेना भाई नीचे वाले क्या करेंगे, अभी आप देखना T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, आप मैं बोल रहा हूँ हैदर अली को फारिग कर देंगे लोग, आसिफ अली को भी फारिग कर देंगे, लेकिन जो रहेंगे ये दोनों रहेंगे, सिर्फ रिजवान और बाबर ये दोनों ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। जिस तरह बात करी कि आज बहुत ज़्यादा अपसेट है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच को लेकर, बहुत ही ज़्यादा शाइकिंग जो है परेशान है इस बात से कि पाकिस्तान का आगे का सफर बनता है या नहीं बनता। यार नहीं बनेगा यार, बहुत मुश्किल है, जब जिम्बाब्वे से इन्होंने ऐसा खेला, पाकिस्तान को अब रन रेट अपना ठीक करना है, कैसे करेंगे रन रेट ठीक, कैसे करेगा साउथ अफ्रीका से आगे, साउथ अफ्रीका के रन रेट आपने देखे +5 है, +5, अब क्या बोले यार, बस छोड़ो, अब हार गया मैच, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते यार, छोड़ो बस, बस क्या करें, पाकिस्तान ने ऐसा आज कारकर्दगी दिखाई है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सारे मायूस हुए हैं भाई, हो गए, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं दूसरे प्रोग्राम में, जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़।